खबर औरैया से है। अजीतमल तहसील क्षेत्र के अनंतराम टोल प्लाजा पर रविवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने अपनी आंखों की जांच कराकर उपचार करवाया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर रविवार को अनंतराम टोल प्लाजा पर DGM सतवीर यादव ने नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें PTO रिहाना बानो, डॉक्टर अवनीश कुमार अधीक्षक अजीतमल, डॉक्टर मोहम्मद अली अहमद, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर नेत्र परीक्षण अधिकारी, शिवाजी पांडे, जितेंद्र यादव, संदीप सेंगर चीफ फार्मासिस्ट की मौजूदगी में कैंप लगाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सौजन्य से स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य तथा आंखों की जांच कराई। वहीं डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर ने 70 आंखों का चेकअप किया। और वहीं आपको बता दें, डॉक्टर अली अहमद ने 45 लोगों का BP चेक किया। इस दौरान टोल प्लाजा मैनेजर बाबू राम शर्मा, RPO जितेंद्र वर्मा, अनंतराम चौक के इंचार्ज अरविंद तरार आदि समस्त टोल प्लाजा स्टाफ मौजूद रहा। गर्मी को देखते हुए और जैसे जिस तरीके से तापमान हमारे अभी वातावरण में जैसा बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा जब तक गर्मी चलेगी, पानी का विशेष ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा साफ पानी पीते रहें। इसके अलावा जो फल है और जूस है, ये सब चीज़ों का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही आवश्यक हो, अपने आवश्यक काम हो, नौकरी पे जाना हो, धूप में तभी जो है वो बाहर निकले, और हमेशा पानी अपने साथ में रखें। बाहर का खाना कम से कम खाएं और साफ़ सुथरा खाना अपने घर का ही खाएं। हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से साफ करते रहें, और जैसा कि अभी धीरे धीरे कोविड भी पैर पसार रहा है, तो मास्क का भी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमित करते रहें, जिससे कि जो बीमारियां बार बार दस्तक दे रही हैं, आ रही हैं, उनसे सबका बचाव हो। आँखों का स्वस्थ रखने के लिए और जो है उनको बेहतर, उनका बचाव करने के लिए, तेज़ धूप है, अगर नज़र का नहीं किसी को कोई दिक्कत है तो सन ग्लासेस का उपयोग करें। धूप में कम से कम आवश्यक हो तभी निकलें, या पूरी सुरक्षा के साथ निकलें, कैप पहन के निकलें, सन ग्लासेस पहन के निकलें, और नियमित समय समय पे अगर जो है किसी को नज़र में समस्या आ रही है तो अपने डॉक्टर से, आँख के चिकित्सक से उचित सलाह दें, उनको जाके दिखाएं। आज ये हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में ये आज समापन है 24 तारीख को, इसका जो 18 तारीख को शुरू हुआ था। यहाँ पर हम रोड अवेयरनेस के लिए ये कैंप, आँखों की जांच, जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर हैं उनकी आँखों की जांच और मेडिकल स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है, जिसके कारण से कम एक्सीडेंट हों, रोड के ऊपर हम सेफ्टी से चलें, यही हम उनको दिशा निर्देश या सलाह दे रहे हैं कि आप अपने घर सुरक्षित पहुँचें। और हमारा भी रोड सेफ्टी वीक का एक कंप्लाइंसेज पूरी हो रही है कि हम उनको अवेयरनेस किया पूरे हफ्ते में, क्योंकि हर साल 3-4 बार इस सुरक्षा सप्ताह को मनाते हैं और ये हमेशा हम इस चेकअप को करते रहते हैं। यानी कि आज समापन है या सदस्यता वीक चल रहा है, RTO मैडम, डॉक्टर्स, हम समय समय पर चेकअप कराते रहते हैं, रोड पर एल्कोहल डिटेक्टर का भी जाँच कराते रहते हैं, ताकि लोगों को डर रहे और सही स्पीड से गाड़ी को चलाएं। स्पीडोमीटर भी लगाए हुए हैं, अभी धीरे धीरे कैमरे भी लग जाएंगे तो लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। मैंने पहले से भी ये RTO साहब को, SP साहब को बोला कि सर स्पीडोमीटर लग जाएंगे तो हमारी जो रफ्तार है उसमें जरूर कमी आएगी और हमारे एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। तो ये धीरे धीरे काम चल रहा है, उसी पर भारत सरकार की तरफ से ये काम सुचारू रूप से चल रहा है।